आपसे बोल रहा हूँ मैं, बन जाएगी। हाँ जल्दी करें, जल्दी आज कंप्लीट करना है डफल को, हो जाएगा आज कंप्लीट, 4 बजे दे रहा है। 3 बजे हो जाएगा यार। तो भाई शकूर भाई घर पे खड़ा हुआ मैं, 10 मिनट हो चुके हैं यार, फोन तो कर दिया उनको कि भाई बाहर खड़ा हुआ आ जाए, तो वो कह रहे बस आ रहा हूँ आ रहा हूँ, जैसे रोज वो बोलते हैं। अब यहाँ पे ना गर्मी इतनी बढ़ गई है कि बस जो है ना वो खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो ये आ रहे हैं मेरे ख्याल से शकूर भाई। और भाई कितनी देर लगा दी आपने, अरे भाई गर्मी इतनी हो रही है यार। A few moments later. तो भाई हम लोग कारखाने पहुंच चुके हैं और आज जो है ना शकूर भाई तो पूछते हैं क्या बना रहे हैं आज, वो बताए आज हमें क्या बनाना है भाई। आज तो सैंपल बनाना है। कौन सा सैंपल? सैंपल भाई आज डफल बनाना है एक। मैं आपको बोल रहा हूँ ना डफल बनाना है, वो ब्राउन वाला, सामने की एक पॉकेट जो आती है ना, साइडों में जिप वाली दोनों पॉकेट है। और ये क्या कर रहे हैं आप, ये अभी तक हुआ नहीं, ये तो कब की वीडियो बन चुकी है इसकी। दोबारा अगर ये तो बता दे दोस्तों को कि आप इतनी देर मुझे बाहर खड़ा क्यों रखते, आपको आपको पता नहीं है गर्मी कितनी हो गई है आजकल। ठंडे पेड़ के नीचे बादाम के पेड़ के नीचे बादाम भी खाओ, ठंडी ठंडी हवा खाओ, नीचे घास होती है। कौन सी घास है, टूटा हुआ रोड है सारा। भाई अब नहीं खड़ा हूँगा मैं इतनी देर, और जैसे ही मैंने आपको फोन कर दिया फौरन से बाहर आ जाए, सही है भाई। निकालूं लेदर नहीं निकालूं, जल्दी बताएं, कटिंग शुरू कर रहे हैं। चले सही। अच्छा तो भाई अभी हम लोग बना रहे हैं डफल बैग, पिक्चर तो आपको शो हो गई होगी साइड में। ये ब्राउन लेदर में बना रहे हैं, ये डार्क ब्राउन लेदर है, पहले भी हमने बनाया था, तो अभी जो ना दोबारा से वही वाला पीस का ऑर्डर है, तो वो बना रहे। तो यार काफ़ी सारा काम हम लोगों ने कर लिया है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ क्या क्या काम किया है। सबसे पहले ये देख लें, जो इसका मेन पैनल है ना, तो ये एक पैनल पे ये दो पट्टी लगा दी और दूसरे वाले पे भी ये दोनों पट्टी लगा दी है। और इसके अलावा ये जो साइड वाली इसकी पॉकेट है ना, तो इसमें जिप भी लगा दी है और पीछे जो है इसका कपड़ा भी लगा दिया। और क्या काम किया, ये पाइपिंग का काम सारा कर दिया, 3 पाइपिंग इस बैग में लगेंगी, तो तीनों जो है वो तैयार हो गई हैं। और जो एक बेल्ट आती है ना शोल्डर बेल्ट, तो ये दोनों शोल्डर बेल्ट की छोटी सी एक सिलाई सेंटर में होती है, सिलाई लगने के बाद आपस में दोनों पेस्ट हो जाएंगे, सही है। इसके नीचे वाला जो बॉटम वाला पार्ट है ना इस बैग का, वो ये रखा हुआ, इसमें भी जो है ना ये मैंने फुट लगा दिए। और इस बैग की जो थोड़ी सी लाइनिंग है ये भी मैंने काट ली है। और शकूर भाई ने अब सिलाई इन्होंने स्टार्ट कर दी है। क्या हुआ मशीन को, क्या हुआ, फिर मसला कर रही है, चलती कम है मसला ज़्यादा करती है तो भाई यार ये मशीन हमारी सही हो जाए थोड़ी सी, फिर सिलाई शुरू करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। 1 hour later भाई छुट्टी का टाइम हो चुका है और अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। और मशीन ने काफ़ी मसला किया है, जो अभी शकूर भाई सही कर रहे थे ना, तो फाइनली इतनी सही हो चुकी है मशीन कि हम इसकी सिलाई कर सके। तो थोड़ी बहुत सिलाई करी है, वो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। जो इसके मेन पैनल थे ना, इसमें जो पट्टियाँ लगाई थी, तो दोनों पैनल की पट्टियों की सिलाई कर दी है। और इसके अलावा ये जो इसके हैंडल आएंगे ना बैग के, दोनों हैंडलों में भी सिलाई कर दी है। और बाकी जो ये शोल्डर बेल्ट है इसकी भी आप देख सकते हैं सेंटर में एक छोटी सी सिलाई आती है, वो भी कर दी है। और बाकी सिलाई नहीं करी है, वो बस हम लोग जो ना कल करेंगे। अभी आप देख सकते हैं छुट्टी का टाइम हो चुका है, 8 बजे हम लोग छुट्टी कर लेते हैं, बाकी काम जो ना वो दोस्तों कल करेंगे, फिर आपसे मुलाकात होती है कल। हाँ तो भाई वेलकम टू day 2। और आज हम लोग 1 घंटे पहले ही आ चुके हैं, अभी 12:30 हो रहा है, काफ़ी सारा काम हम लोगों ने आके यहाँ पे कर लिया। ये जो कल ये वाली पॉकेटें बनाई थी ना, इसकी ये सिलाइयाँ रह गई थी, अभी सुबह आके ना इसकी ये जिप वाली सिलाई कर दी है, और ये डी कड़ी की जो लूप होती है इसकी सिलाई कर दी है। और आज भी जो है ना मशीन ने सुबह से काफ़ी तंग किया, शकूर भाई से पूछते हैं कि आज मशीन सही चली या नहीं चली। जी भाई बताए आप, मशीन कहाँ सही चली है, मशीन को थकी हुई मशीन है। आज कंप्लीट तो हो जाएगा ना बैग? हाँ हो तो जाएगा। हाँ तो भाई 5:15 हो चुके हैं और काफ़ी सारा काम हम लोगों ने कर लिया, और बैग जो है ना बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है इंशाल्लाह 1 से 1.5 घंटे में। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या काम कर लिया है। तो ये जो इसका फ्रंट और बैक पैनल था ना बड़े वाले, तो ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, सामने की फ्रंट पॉकेट आप देख सकते हैं, बाकी हैंडल वगैरह का काम भी सारा कर लिया, मेन जिप है ना ऊपर की वो भी सारी लगा दी है।
और अंदर की लाइनिंग वगैरह भी इसमें हमने लगा दी। ठीक है, अब बस काम ये है कि जो साइडों में आपको नज़र आ रहे हैं ना, इधर ये दोनों साइड पे पॉकेटें लगेंगी, पॉकेटें ये रखी हुई, एक साइड में ये पॉकेट आ जाएगी और दूसरी साइड में ये पॉकेट आ जाएगी, उसके बाद दोनों तरफ की सिलाई होगी और फिर ये बैग जो है ना इंशाल्लाह कम्प्लीट हो जाएगा। तो बस अब जो है ना बैग बिल्कुल कम्प्लीट हो जाए, फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ बैग की कैसा लग रहा है। हाँ तो दोस्तों बैग जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं सामने एक फ्लैप वाली पॉकेट एक दी है हमने, साइड में एक जिप पॉकेट दी है और दूसरी वाली साइड पर भी एक जिप पॉकेट दी है और पीछे वाली साइड बिल्कुल प्लेन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ। और इसके अंदर से ना जिप खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये दोस्तों इसका जो है ना ये मेन कंपार्टमेंट है, जहाँ पे कोई भी कपड़े वगैरह या जो भी रखना होगा ना वो इस वाले पॉकेट में आएगा। तो ये खोलेंगे ना अंदर, तो अभी मैंने फिलहाल ये सामान वगैरह रखा हुआ है ताकि इस बैग का ना थोड़ा सा शेप आ जाए। मैं आपको एक सामान निकाल के भी दिखा देता हूँ, वो ये आप देख सकते हैं अंदर जो है ना बिल्कुल प्लेन है, कुछ भी पॉकेट नहीं दी है, सारी जो है ना वो लाइनिंग है। और एक जो है ना ये हाउस ऑफ लेदर का जो टैग हम लोग हर बैग में लगाते हैं ना, तो ये टैग लगाया हुआ है इसके अंदर, बाकी और तो कुछ खास है नहीं बस। और नीचे से तो अभी आपको दिखा दिया, ये जो फुट वगैरह लगाए हुए ना नीचे का सारा बॉटम है। तो सही है दोस्तों, वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। बैग सारा हमने बना दिया, वो सब आपको दिखा दिया। और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से किसी और दिन मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पसीना आ गया देखो भाई, कितना पसीना आया। पंखा बंद किया हुआ ताकि आवाज़ अच्छी आए, अब पता नहीं अच्छी आई नहीं आई। और ये पीछे देखिए शकूर भाई बैठे हैं। हेलो भाई।